वेलकम टू हेल्दी हो। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या होती है? हाइपरटेंशन मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी क्या होती है? नॉर्मल बीपी होती है आपकी 120 बाई 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। अब 120 क्या होती है? इट इज़ योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोल क्या होती है? ये एक फेज़ होती है जिसमें हमारी हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब 80 क्या होता है? डायस्टोल। अब डायस्टोल क्या होता है? ये एक फेज़ है जिसमें हमारा हार्ट डायलेट करता है। तो अब हमको जानना है कि हम इस हाइपरटेंशन का कारण क्या क्या है। तो कारण को हम उसमें डिवाइड करते हैं। एक है आपका लाइफस्टाइल। अब क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है काफ़ी सेडेंटरी हो गया है। सेडेंटरी का मतलब क्या है कि हम यूजुअली अब ऑफिस में ज़्यादा बैठते हैं, 6 से 8 घंटे हम बैठ के काम करते हैं, तो चलते फिरते उतने नहीं हैं। तो ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण है कि हम खाने में ज़्यादा नमक का प्रयोग करते हैं, उससे भी बीपी बढ़ती है। तीसरा हम क्या करते हैं कि हम फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, यानी कि जिन खानों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ से हाइपरटेंशन होती है। और चौथा है कि जो फिजियोलॉजिकल कॉज हम जिसको कहते हैं कि विद एज जितना उम्र बढ़ता है इंसान का, तो उसका बीपी ज़्यादा होने का चांसेस होती है। हाइपरटेंशन एक सीरियस कंडीशन है। अगर आपने लाइफस्टाइल के ऊपर चेक नहीं दिए या फिर आपने टाइमली मेडिकेशंस नहीं लिए, देन इससे स्ट्रोक हो सकती है आपको। स्ट्रोक क्या है कि ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ब्लड क्लॉट हो सकती है, उससे इंसान इट कैन लीड टू डेथ। तो फिर आपको चेक देना पड़ता है। दूसरा है कि ये हाइपरटेंशन से आइज इफेक्ट होती है आँखों में, जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। उससे क्या होता है कि आँखों के अंदर जो ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लीड होने लगती है। नमक कम खाइए, कोलेस्ट्रॉल लेवल खाने में कम रखिए, है ना, और नियमित रूप से अपनी ब्लड प्रेशर को चेक करवाइए, स्पेशली मंथली करवाइए। उसके लिए हम कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर आती है। अब स्पिग्मोमैनोमीटर भी दो तरह की आती है, एक होता है पाल्पेटरी जो मैनुअल और दूसरा होता है ऑटोमेटिक। अब कई सारे घरों में क्या है, डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट नहीं होते, तो वो मैनुअल वाला नहीं यूज़ कर सकते, वो ऑटोमेटिक वाला यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मिलिए, डॉक्टर से, वो भी आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हेल्थी हो।